तो ये अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर है पेपर टू वन उसी की सेकेंड केस स्टडी है केस स्टडी वन जो है हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट न्यूज़ के नाम से डी एन तो ये दो इसके लोग हैं जो कि शीला एंड लूसी ओन्स एंड मैनेज डी एन जो कि इनके बिजनेस का नाम है ऑनलाइन पब्लिशिंग बिजनेस है इनका डीएन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस आर डेली ऑनलाइन लोकल न्यूज़पेपर कॉल्ड क्यू न्यूज़ तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है वी कैन राइट दम डाउन जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ताकि हम पूरे आंसर में उसे कर सकें यहाँ हमें पता चल गया कि दो उसके मैनेजर्स uh, हैं और उनके बिजनेस का नाम क्यू न्यूज़ है और पब्लिशिंग का बिजनेस है रीडर्स पे सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस क्यू न्यूज़ और अगर आपने क्यू न्यूज़ को पढ़ना हो पब्लिशिंग वाला जो उनका न्यूज़ है या जो भी डिटेल्स हैं तो उसके लिए आप

आगे गिवन है है डीएन रिसेंटली टेस्टेड अ ऑनलाइन मैगज़ीन ग्रुप कॉल्ड क्यू लाइन ओके जी तो उन्होंने सोचा है कि एक ऑनलाइन uh, मैगजीन भी शु, शुरू किया जाए अब अगेन ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन का पॉइंट है पूरी केस स्टडी में हमारे पास यूज हो सकेगा uh, produce, uh, उसको लगता है कि पेपर uh, है उसको पब्लिश करना उसे बंद करना चाहिए और उसको जो ऑनलाइन पब्लिशिंग पे बिलीव करना चाहिए सेकेंडरी मार्केट रिसर्च सजेस्टेड क्यू लाइन विल बी पॉपुलर विद द नेशनल बिजनेसेस वांटिंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट तो इसका मतलब है इसको एड्स भी मिल जाएंगे जिसकी मदद मतलब से ये कुछ ना कुछ जो है वो अर्निंग भी कर सकेगा

तो ये उससे ज्यादा इंक्रीज कर गए एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो ट्वेंटी uh, फाइव से बढ़ के थोड़ा सा डबल से ज़्यादा हुआ है तो अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन से आने वाला रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है और जो एडवर्टीजमेंट से आने वाला रेवेन्यू वो थोड़ा सा कम बढ़ा तो अगेन द अ गुड एप्लीकेशन सोर्स फॉर आ सर उसको हम यूज़ कर सकेंगे वाइल जब हम अपने क्वेश्चन में एप्लीकेशन को डिवेलप कर, कर रहे होंगे अच्छा जी आगे चलते हैं

तो ये वन वी कैन राइट उसके बाद अगली उसने पूछा हमसे कि तो हम secondary market research को करेंगे वही एप्लीकेशन आउट ऑफ ढेर सारी एप्लीकेशन मौजूद है तो उसने सेकेंडरी रिसर्च की थी उसको वहाँ सब्सक्रिप्शन के बारे में ये पता चल गया था इसी को हम यूज कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दैट हम कहेंगे सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है इट्स इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो उसको हम हम डिफाइन करेंगे इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट दैट कंडक्टेड फॉर देयर ओन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजींस तो ये हमने लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे हैव ऑप्टेन द रिसर्च डेटा दैट फ्रॉम 25 मिलियन टू 90 मिलियन तो हमें इसके थ्री मार्क्स जो हैं वो uh, मिल जाएंगे Uh, यहाँ से इसको यूज करने के इस डेटा अगले सवाल को अगर हम देखें तो दैट इज मोस्टली मैगजीन रेफर टू ऑफ ऑनलाइन मंथली मैगजीन्स फ्रॉम 2020 और uh, टू तो इज सिंपल ये टेबल हमारे पास मौजूद है अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास आने वाला रेवेन्यू भी सारा मौजूद है दो सोर्सेज हैं उसके हमने कैलकुलेट करना है और हमने उसको बताना है कि कितना रेवेन्यू उसका इंक्रीज हुआ है जी तो पहले हम क्या करेंगे रेवेन्यू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी का निकाल लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि हमारे हम इसको यूज़ कर सकें आइंदा रेफरेंस के लिए जी कितना रेवेन्यू है दोनों चीज़ों का मिला के सब्सक्रिप्शन का और दूसरी जो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन से आने वाला रेवेन्यू है हमारे पास ट्वेंटी फाइव मिलियन और एडवर्टीजमेंट से आने वाला रेवेन्यू है ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू जो टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में हम अर्न कर रहे थे दैट वाज फिफ्टी मिलियन ठीक है अब वो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में हमारे पास कितना हो गया है आ, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज नाइन्टी प्लस सिक्सटी तो टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में जो सब्सक्रिप्शन से आने वाला रेवेन्यू है दैट इज नाइन्टी और जो एडवर्टीजमेंट से आने वाला रेवेन्यू है दैट इज़ हमने दोनों को ऐड किया तो हमें चला वन फिफ्टी मिलियन डॉलर अब हम रेवेन्यू जो है वो अर्न कर रहे हैं ओके हमारे पास आ गया अब हम चेंज निकाल लेंगे चेंज कैसे निकालेंगे वन इज द न्यू रेवेन्यू फिफ्टी वॉज दरिजिनल पुराने वाला रेवेन्यू तो हंड्रेड मिलियन डॉलर का चेंज आया

जैसा कि हमेशा मैंने आपको समझाया है कि जो बहुत ही मेंटल मैथ्स टाइप क्वेश्चन हैं जो हमसे टेस्ट होते हैं पी टू में बहुत कोई ऐसे नहीं है कि जो बहुत हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होती हैं जिनको हमें हमसे टेस्ट किया जाता है दिस वे सिंपली हमने दोनों ईयर्स का 2020 एंड का रेवेन्यू निकाला और उसकी बेस पे उसकी चेंज निकाली परसेंटेज निकाल के हमने उसको सजेस्ट कर दिया

कि किस तरह के कस्टमर जो है प्रोडक्ट उसकी सॉरी उसकी जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है उसको बाय करेंगे कस्टमर फीडबैक उसको चाहिए ताकि पता चले कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लोगों का चीजों के मुतालिक इसी तरह जो सब्सक्रिप्शन हैं उनका लेवल क्या है कितने लोग उसको पे करने के लिए रेडी हैं वगैरह तो ये वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है टू मार्क्स इसमें थ्री मार्क्स में एप्लीकेशन के होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वही इसे अनदर पीस ऑफ यूजफुल मार्केट रिसर्च वुड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एटीन टू थर्टी ईयर्स ओल्ड ये जो हमने की एटीन टू थर्टी ईयर्स ओल्ड क्योंकि लोग उसको बाय कर रहे थे पहले ही तो ये हमने एक एप्लीकेशन कर दी साथ ही तो uh, इससे पता चला कि इतने लोग uh, इस एज ग्रुप के लोग हैव न्यूज सब्सक्रिप्शन क्योंकि हम यंग लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए एटीन टू थर्टी को ज़्यादा टारगेट करेंगे और दिस विल अलाउ देम टू एंटीसिट द अमाउंट ऑफ न्यूज सब्सक्रिप्शन दे आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन दियाज ग्रुप को मैं फिर यहाँ से ऑनलाइन कि uh, सब्सक्रिप्शन से पैसे अर्न कर रहे हैं तो वो हमने एप्लीकेशन उसके अंदर कर दी दिस इज दू कैन आंसर दिस क्वेश्चन

दो रीजन अब आइडेंटिफाई करनी है कम अज कम इस क्वेश्चन में जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सके ऑब्जेक्टिव है वो चेंज कर रहा है joined the class and suddenly left. अच्छा जी। तो वो दो रीजन कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से हम अपने objective change कर सकें। हमने फोर्थ जो हमारा चैप्टर था सेक्शन वन का उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो जो कौन सी रीजन होती हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस चेंज करते हैं गिव मी अच्छा जी तो देर आर मल्टीपल रीजन बिकॉज ऑफ बिजनेस कैन चेंज ऑब्जेक्टिव फॉर एक्जाम्पल हमें पता है मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए Uh, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो जाए तो बिजनेस ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव से सर्वाइवल uh, के ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं ठीक है इसी तरह अगर आप अपने मिशन स्टेटमेंट सेम्स और ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज खुद ही चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी आपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं तो तब भी ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी एप्लीकेशन भी हो सकती है कि ऑलरेडी आपने देखा था केस स्टडी में दे हैव डेवलप्ड अ न्यू मिशन स्टेटमेंट दैट इज टू बी डेली कम्युनिटी न्यूज पेपर फॉर लोकल पीपल एंड कंट तो अगर आप नई मिशन स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हैं तो तब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा नॉलेज में हम अपने आंसर को लिखते हुए यहाँ पे यूज ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव चेंज होने के एक रीजन ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा हो और नए शेयर होल्डर्स को लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो उसके जो नए ओनर्स आएंगे उनके भी ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे हम ये भी कि बिजनेस की जो बजटरी कंडीशन हैं जब वो चेंज होती हैं उसके बाद इनकम या रेवेन्यू बढ़ता है या कम होता है इन बोथ केसेस बिजनेस नीड्स टू तो चेंज ऑब्जेक्टिव तो दो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई भी उनको डेवलप करेंगे उनकी बेसिस पे हम अपना आंसर लिखने की आ, कोशिश करेंगे और इसमें हर जो हमारा पॉइंट होगा फॉर एग्जाम्पल उसमें हम नॉलेज और एप्लीकेशन और एनालिसिस सारा कुछ कर ही रहेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि शीला एंड लूसी विल हैव टू चेंज ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे हैव चेंज फ्रॉम देर ओरिजिनल मिशन ठीक है और फिर उनका हम नया मिशन लिख देंगे कि टू प्रोवाइड कम्युनिटी क्या होगा दिस अ मोर नेशनल रीडरशिप एज अपोज टू नीश फोकस वो जो जो नेशनल हैं जिनको अपनी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक न्यूज़पेपर चाहिए उनको मिलना शुरू हो जाएगा डीएन में बिकम मोर

पूरा जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं इसके साथ साथ हम फर्दर नॉलेज भी शो करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलावा हम क्या नॉलेज शो कर सकते हैं हम प्रोडक्ट uh, डिलीवरी का नॉलेज शो कर सकते हैं तो मैं कह रहा था कि फर्दर हम नॉलेज भी इसके अंदर शो कर सकते हैं अपना अपने आंसर को लिखते हुए जैसे कि क्वालिटी इश्यूज़ हैं कॉस्ट कंट्रोल है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है डिफरेंट नॉलेज के टर्म्स हैं जो हम अपने आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हैं ओके okay, दो मार्क्स हमें नॉलेज के मिलते हैं इस ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन से दो मार्क्स हमें एप्लीकेशन के मिलते हैं दो अनालिस के मिलते हैं और सिक्स एनालिसिस के और सिक्स एवेल्यूएशन के तो ये हमारी जो है मार्क्स स्कीम है इसकी तो इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स किसी क्वेश्चन में हम कर सकते हैं किसी चीज़ में ऑप्टेन वो इवेल्यूशन है यू कैन से हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एंड रेस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग जिसमें नॉलेज है एप्लीकेशन uh, है एनालिसिस अच्छा इस क्वेश्चन में हमें काफी सारी एप्लीकेशन हमें मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल टारगेट मार्केट है एटीन से थर्टी ईयर्स वाली जिनको हम यूज़ कर सकते हैं Uh, ये भी के नॉन सब्सक्राइबर्स को ये अवेलेबल नहीं है तो हमें सप्लाई चेन उसके मुताबिक मैनेज करनी है इसको भी हम एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसी तरह मैगजीन्स के डिलीवरी टाइम भी अवेलेबल करना मार्केट में इसको भी एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं न्यू मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन मार्केट जिसमें वो पहले नहीं है इसको भी एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं तो देर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन दैट वी कैन यूज़ वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन तो हम अब जाहिर इंपॉर्टेंस लिखनी है तो कोई एक इंपॉर्टेंस पहले लिखेंगे उसको एनालाइज करेंगे फिर उसकी वैल्यूएशन लिखेंगे फॉर uh, एग्जांपल हम ये लिखेंगे कि जो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इनके लिए बहुत ज़रूरी है इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर वो टाइम से पहुंचाएंगे तो लोग टाइम से वो न्यूज़पेपर पढ़ भी सकेंगे और उस टाइमली न्यूज़पेपर रीडिंग के नतीजे में फ़र्दर लोग फिर उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे लेकिन जो ऑनलाइन मैगजीन होगा उसमें कनेक्टिविटी के इशूज़ जो हैं उनको देखना पड़ेगा सप्लाई चेन में और स्पेसिफिकली उससे पहले के जो इशूज हैं यानी मैगजीन को राइट टाइम पर प्रिपेयर करना और उसका कॉन्टेंट रेडी करना और फिर उसको अपलोड करना Uh, अपनी वेबसाइट्स पे या जो जहाँ की लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली होगी वो बहुत ज़रूरी होगा उसकी सप्लाई चेन उस पर मैनेज करती है और जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे दे कैन गो टू तो दिस एक्सटेंड के अच्छा उस पर जो कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा होगा उसको टाइमली पब्लिश करना और उस फीडबैक को टाइमली रिप्लाई करना ताकि वो कंज्यूमर वैल्यूड फील करें ये भी उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होगा इस पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करेंगे इंप्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंप्लाइज कौन हो सकते हैं अगेन एप्लीकेशन हम करेंगे जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कि वेब डिजाइनर्स हैं जैसे कि वेबसाइट को या अदर चीजों को मैनेज करने वाले लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका स्किलफुल होना ताकि वो टाइमली ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें फाइनल इवेल्यूशन में हम ये कहेंगे कि बहुत जरूरी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को कंसिडर किया जाए और इस तरह के बिजनेसिस जो कि एक सेक्टर से निकल के दूसरे दूसरी फेज में जा रहे हैं अपनी जो पब्लिश्ड मैगजीन से निकल के ऑनलाइन में जा रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और साथ फिर उसकी रीज़न देंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है जस्टिफाई करेंगे उसको तो तब हमें इवेल्यूशन का पहला मार्क मिल जाएगा लेकिन फिर हम लिखेंगे कि इस बिजनेस जो है उनकी अफेक्टिवनेस उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो सक्सेस है उसके लिए सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सप्लाई चेन में क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है ट्रू है और ताकि लोग उस पर बिलीव कर सकें अः uh, क्या जो सप्लाई चेन पे लगने वाले पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल दैट इज बींग इनकर्ड ऑन द सप्लाई चेन क्या वो कवर हो रही है या नहीं हो रही और फिर Uh, ये भी के मार्केटिंग uh, कितनी करते हैं वो uh, उस प्रोडक्ट की ताकि वो सेल uh, हो सके इन मार्केट uh, उस लोग उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकें ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन इन एनी केस चाहे वो फिजिकली मैगजीन प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो ऑनलाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं दी सप्लाई एंड इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एग्जाम्पल दिस इज दर्स क्वेश्चन और उसकी डिटेल